जैसे कि आप सबको पता है हमारी धरती लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। अगर हम मिनट की बात करें तो अर्थ व्हिच रोटेट्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर इन 1 मिनट, यानी कि हमारी धरती जो है ना एक मिनट में 30 किलोमीटर की रफ्तार से रोटेट करती है एंड एक सेकंड में 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर घूमती है। आई मीन आप अभी एक सेकंड में आधा किलोमीटर की स्पीड पर घूम रहे हो, चल रहे हो इस धरती नामक के गाड़ी में, और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि यह हमारी धरती जो है ना बहुत ही स्मूथ राइड है। बट क्या होगा अगर हमारी धरती घूमना बंद कर दे, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन प्रक्रिया बंद हो जाए, अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, तो क्या होने वाला है? कभी आपने ऐसा सोचा है? तो इससे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। तो मान के चलिए कि आप एक कार में हो, और आप जिस कार में हो ना वह 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चल रहा हो, और आप सडनली अचानक से ब्रेक मार दिए हो, ऐसे में तो आपका कार तो रुक जाएगा लेकिन आप आगे फेंका जाओगे, आपका बॉडी मोमेंटम के चलते आगे की तरफ झुक जाएगा। अगर कोई कार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहा हो ना, तब आप शीशे से बाहर निकलकर कहां फेंका जाओगे कोई अता पता नहीं चलेगा। तो ठीक इसी प्रकार धरती का भी कुछ ऐसा हाल होगा, अगर धरती स्पिन करना बंद कर दे तब आप 1800 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से ईस्ट साइड यानी कि पूरब की तरफ से फेंका जाओगे। आप सारे गाड़ी, बड़े बड़े इमारतें, बिल्डिंगें, जैसे कि कोई महाशक्तिशाली परमाणु हमले के तहस नहस होता है, ठीक उसी प्रकार की फील होगा। इट्स रियली अमेजिंग। सारे समुद्र में पानी मोमेंटम के चलते बड़े बड़े लहरें बनके उछलने लगेंगे, और बहुत सारे देश भी पानी के अंदर समा जाएगा, और कई कंट्री आधा पानी में तो डूब ही जाएगा। अगर हमारे प्यारे भारत इंडिया की बात की जाए, जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, कन्याकुमारी डूब जाएंगी। धरती का रोटेशन स्टॉप होने के एक मिनट बाद समुद्र में कुछ ऐसा भयानक बड़े बड़े लहरें, ऐसे महाविनाशकारी हलचल मचाएगी कि जो सातों समुद्र है ना वो पूरे दो समुद्र में बदल जाएंगी, यानी कि समा जाएगी, और दो समुद्र दो मेगा ओशियन फॉर्म हो जाएंगे, और धरती में 50% आबादी खत्म हो जाएंगे। और इस घटना के होने के बाद जो लोग जिंदा बचे होंगे वह लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे, क्योंकि अनाज उगा नहीं पाएंगे। इसलिए उगा नहीं पाएंगे क्योंकि अब धरती रोटेट नहीं कर रहे हैं, धरती घूमना बंद कर दिए है, इस बस स्टील होकर सन का चक्कर लगा रही है। इसके चलते धरती पर लगातार 6 महीने तक सन दिखाई देगा, यानी कि लगभग पूरे 180 दिनों तक लगातार सूरज दिखाई देंगे, और बाकी का 6 महीने तक मून, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 180 दिन तक चांद ही दिखाई देंगे, जिससे कि पृथ्वी जो है ना अपना गुरुत्वाकर्षण बल खो देगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लॉस कर जाएगी। इसके चलते धरती का जो ओजोन लेयर की परतें हैं ना वो टूट जाएंगे, और टोटली सूरज का जो रेडिएशन है वो धरती पर आने लगेगा। इस घटना के 7-8 साल के अंदर ही पूरे पृथ्वी लाइफ लॉस हो जाएंगे, यानी कि कोई भी जीवित प्राणी नहीं होंगे। बस सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे जस्ट एक्सप्लोर किया, जबकि यह कभी पॉसिबल है ही नहीं। हमारे धरती सडनली रुक जाए पूरे स्पेस में, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि धरती के रोटेट पर कोई इफेक्ट पैदा कर सके। मून का खिंचाव है, ऐसे चीज़ें हैं तो धरती को इफेक्ट कर सकती है। बट इसमें भी एक पॉइंट्स है कि किसी प्लेन के सामने एक मक्खी का टकराना जितना इफेक्टेबल पैदा कर सकती है, यानी कि धरती के स्पीड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बाई चांस कोई भी बड़ी चीज़ टकरा जाए तो रोटेशन पर इफेक्ट कर सकता है। ऐसे में नासा के रिपोर्ट के अनुसार अगले 500 सालों तक ऐसा कुछ एस्ट्रॉइड इफेक्ट इफेक्टेबल नहीं देखा गया है। तो दोस्तों ऐसा होना रियल लाइफ में कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, या फिल्मों में ज़रूर होगा। सो फ्रेंड्स डोंट वरी, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर कर, और अगर अभी तक आपने रफीकुल अमेजिंग ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही घंटी को दबाकर 1 पर सेलेक्ट कर दे, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।